So we have started the meiosis and I told you that the mechanism of meiosis is completed in two stages, that is meiosis 1 and meiosis 2. So yesterday we have started with the meiosis 1. So meiosis 1 ko hum log jo hai रिडक्शनल डिवीजन भी बोल देते हैं, क्योंकि मियोसिस वन में क्या होता है, जब पेरेंट सेल की डिवीजन होती है डॉटर सेल्स बनते हैं, तो डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम्स का नंबर और डीएनए का अमाउंट है वो पेरेंट सेल के कंपैरेटिवली हाफ रहेगा. तो मियोसिस की सेम ही स्टेजेस रहेंगी. कैरियोकाइनेसिस होगा सबसे पहले. कैरियोकाइनेसिस के ड्यूरिंग क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस 1, इसके ड्यूरिंग न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा. साइटोकाइनेसिस के ड्यूरिंग साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा. मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीचकार सम टाइम एक छोटा सा गैप रह जाता है फेजेस के बीचकार, तो उस गैप को इंटरफेज बोल देते हैं. तो इस फेज के ड्यूरिंग क्या होता है, जो पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बने थे मियोसिस 1 में, वो फर्दर अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं इंटरफेज के ड्यूरिंग, ताकि उनकी फर्दर जो है मल्टीप्लिकेशन जो है मियोसिस 2 के अकॉर्डिंगली हो सके. सो नेक्स्ट क्या है, हम लोगों ने कल कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट किया था, न्यूक्लियर डिवीजन. सो कैरियोकाइनेसिस 1, सो कैरियोकाइनेसिस 1 की फर्दर जो स्टेजेस रहेंगी वो कौन कौन सी फेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, उसके बाद एनाफेज 1 एंड लास्ट में टीलोफेज 1. सो हम लोगों ने प्रोफेज स्टार्ट की थी, तो प्रोफेज की 5 फेजेस मैंने इसमें आप लोगों को बताई थी. सबसे पहले जो फेज होती है दैट इज लेप्टोटीन. लेप्टोटीन के बाद सेकंड फेज जाइगोटीन. जाइगोटीन के बाद पैकिटीन, देन डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस. सो दीज आर द 5 फेजेस ऑफ द प्रोफेज 1 विच वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे. तो इनमें एक मैंने आपको खास बात बताई थी कि जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो टेट्रेड की फॉर्म में पहले फॉर्म हो जाते हैं. पहले क्या होता है, बाइवेलेंट होता है, इसको बाइवेलेंट बोल दिया. जब दो बाइवेलेंट आपस में जुड़ जाएंगे, ये दो बाइवेलेंट आपस में जुड़ जाएंगे तो ये एक टेट्रेड बनाएंगे, जो कि एक सिंगल जो सेंट्रोमियर है उसको शेयर करेंगे. तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, टेट्रेड बोल देते हैं. तो ये टेट्रेड जो है लास्ट डायाकाइनेसिस के ड्यूरिंग क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं. फिर से जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जो कि फिर मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में फर्दर एंटर कर जाते हैं. तो ये क्या था, हमारा प्रोफेज 1 का एंड प्रोडक्ट था. अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट फेज जो स्टार्ट हो रही है, सेकेंड फेज जो स्टार्ट हो रही है, दैट इज द मेटाफेज. सो मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 के ड्यूरिंग क्या होगा, जो ये दोनों बाइवेलेंट बने हैं वो अपने आप को इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लेंगे. तो जो सेंट्रोमियर्स रहेंगे क्रोमोसोम्स के वो इक्वेटर की तरफ रहेंगे और आर्म्स जो है वो पोल्स की तरफ डायरेक्टेड रहेंगी. और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उनके दो काइनेटोकोर्स होते हैं. काइनेटोकोर्स क्या है, जो कि स्पिंडल के साथ उनके सेंट्रोमियर को जोड़ के रखते हैं, ठीक है, तो उनको काइनेटोकोर्स हम लोग बोल देते हैं. सो प्रोटीनस इंटरजोनल फाइबर्स जो हैं वो डिवेलप हो जाएंगे सेंट्रोमियर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीचकार. ओके, सो क्या होगा, दिस इज द सेल. तो सेल में सेंट्रियोल्स हैं, एस्टर्स जिनको हम लोगों ने बोल दिया. इन एस्टर्स के बीचकार क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन हुई है, ये स्पिंडल्स बन गए. और इन स्पिंडल्स के बीचकार क्या रहेगा, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे अपने आप को अरेंज कर लेंगे इक्वेटर के ऊपर,
ठीक है, पोल्स की तरफ नहीं, बिल्कुल सेंटर में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और अगर आप लोग देखो तो ये जो क्रोमोसोम का ये बीच में जो है ब्लैक कलर का मैं मेंशन कर रही हूँ, दिस इज सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर क्या है, ये काइनेटोकोर्स के थ्रू जो है जुड़े हुए हैं स्पिंडल्स के साथ। ओके, तो जो ये ग्रीन कलर के बिचकार में मैंने स्पिंडल्स बनाए थे, काइनेटोकोर की हेल्प के साथ इन स्पिंडल के साथ में जुड़े रहेंगे। सो ऐसे बीच में इनका एक और स्ट्रक्चर रहेगा जिसको आप लोग बोल सकते हो कि जैसे आप लोगों ने सेलो टेप के साथ के इन दो चीज़ों को चिपका दिया। ओके, सो लाइक दैट, समझ में आया? यस मैम। तो जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहेंगे उनके बिचकार में काइनेटोकोर्स रहेंगे। काइनेटोकोर्स क्या है, क्रोमोसोम को फाइबर्स के साथ में अटैच करके रखता है। सो इसके बाद मेटाफेज के बाद नेक्स्ट फेज हमारी थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज एनाफेज। एनाफेज के ड्यूरिंग क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है मूव कर जाएंगे। सो जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नेटोकोर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, सो ये किनेटोकोर्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। सपोज के हाइपोथेटिकल डायग्राम बना दिए, ये ग्रीन कलर का काइनेटोकोर है, क्या होगा एनाफेज के ड्यूरिंग ये काइनेटोकोर क्या है, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा और दोनों क्रोमोसोम्स क्या है ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे, एक ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और दूसरा नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। इसको मैं एक और पूरा सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। सो दिस इज अ सेल सेंट्रियोल जिनको एस्टर्स बोल सकते हो, इनके बिचकार में स्पिंडल्स आ गए, ये स्पिंडल्स आ गए और क्रोमोसोम्स क्या करेंगे ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सपोज के ये क्रोमोसोम नंबर 20 है तो दूसरा क्रोमोसोम नंबर 20 जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, ये क्रोमोसोम नंबर 10 है और ये भी इसकी एक कॉपी जो है वो नीचे वाले पोल की तरफ चली जाएगी, तो इनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है मूव कर जाएंगे, ये दिस इज हैपनिंग इन द एनाफेज। तो क्या बताया मैंने एनाफेज में आप लोगों को, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होने के बाद क्या करेंगे वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें अभी क्या हो गया, क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस हो गया क्योंकि डिसजंक्शन हुई है, क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं तो उनका जो नंबर है वो रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, तो हाफ जो है हाफ इधर चले जाएंगे इस पोल की तरफ और हाफ इस पोल की तरफ चले जाएंगे, तो इनका नंबर क्या हो गया, रिड्यूस कर गया। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। एना फेज के बाद जो हमारी लास्ट फेज आएगी वो आएगी टीलो फेज। तो टीलो फेज के ड्यूरिंग क्या होगा, ऑपोजिट टू प्रोफेज होगा, जो क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए थे उनकी डीकंडेंसेशन स्टार्ट आज हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस की फिर से फॉर्मेशन हो जाएगी, एस्ट्रल रेज डिसअपियर हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाएंगे और सेंट्रोसोम्स कंप्लीट हो जाएंगे। जो ये था सेंट्रियोल्स थे ना, जिनके आसपास अराउंड सेंट्रोसफियर था, तो इनको कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम लोग सेंट्रोमियर बोल देते हैं, सेंट्रोसोम सॉरी बोल देते हैं। तो ये सेंट्रोसोम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर से मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ सेल का, सो समथिंग लाइक दिस मैं ड्रॉ करूंगी। तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो फिर से अपीयर हो गई, सो दोनों तरफ न्यूक्लियर मटेरियल है तो दोनों तरफ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी और इनके बिचकार जो क्रोमोसोम्स थे उनकी डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी हाइड्रेशन की वजह से, वो फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अपीयर हो जाएंगे। और मेटाफेज जब स्टार्ट हुई थी उसी के साथ ही इसके बीच में मिड बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे मिड बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ ऐसे इनवेजिनेट होती रहती है और ड्यूरिंग द
जो हमारी सेकेंड जो हमारी फेज आएगी साइटोकाइनेसिस की, साइटोकाइनेसिस के ड्यूरिंग क्या होगा, ये सेल जो है सेपरेट हो जाएगा, तो दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे जिनमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा, पेरेंट सेल के कंपैरेटिवली हाफ होगा. ठीक है, तो दीज आर द टू डॉटर सेल्स विच आर फॉर्म्ड. क्लियर? तो जो साइटोकाइनेसिस वन है, साइटोकाइनेसिस वन प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, और जब कभी प्रेजेंट हो तो एनिमल सेल में जो है सेल फुरो के थ्रू या इस मिड बॉडी के थ्रू इनकी फॉर्मेशन होगी, और प्लांट सेल में सेल प्लेट के थ्रू जो है इनकी फॉर्मेशन होगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मियोसिस. सो मियोसिस मैंने आप लोगों को बताया, मियोसिस के ड्यूरिंग क्या होता है, जर्म सेल्स की जो है डिवीजन होती है. तो मियोसिस को कंप्लीट होने के लिए जो है टोटल दो फेजेस चाहिए, दैट इज मियोसिस वन एंड मियोसिस टू. तो समटाइम मियोसिस वन के फिनिश होते ही मियोसिस टू स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है उसके बीच में गैप आ जाता है थोड़े से टाइम का, जिसको हम लोग इंटरफेज के नाम से जानते हैं. तो इंटरफेज के ड्यूरिंग होता क्या है, जो सेल है वो अपने आप को फर्दर प्रिपेयर करता है ताकि मियोसिस टू के लिए वो उसके पास पूरा मटेरियल अवेलेबल हो. तो सबसे पहले मियोसिस वन स्टार्ट करते हैं, जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोल देते हैं. इसमें क्या है, जब पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम नंबर और न्यूक्लियर मटेरियल जो डीएनए वगैरह होता है वो पेरेंट सेल के कंपैरेटिवली डॉटर सेल्स में हाफ होता है. तो मियोसिस वन को कंप्लीट होने के लिए दो फेजेस है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा कैरियोकाइनेसिस वन के थ्रू, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा साइटोकाइनेसिस वन के थ्रू. तो कैरियोकाइनेसिस की फोर फेजेस हैं, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन. इन चारों फेजेस में से प्रोफेज वन जो है सबसे लंबी है. तो प्रोफेज वन जो है इसको कंप्लीट होने के लिए फर्दर फाइव फेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. तो इनके ड्यूरिंग क्या होता है, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है, एस्ट्रल रेज बनती हैं जो कि माइक्रोटब्यूल्स हैं, बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो स्पिंडल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. क्रोमोसोम्स जो है पहले जो है बाइवेलेंट्स बनाएंगे, फिर डायड बनाएंगे, फिर टेट्रेड की फॉर्मेशन होगी, जो के बाद में डायकाइनेसिस के ड्यूरिंग उनके डिसजंक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी. सो दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग द प्रोफेज. और मेटाफेज के ड्यूरिंग क्या होगा, जो ये बाइवेलेंट्स थे वो अपने आप को इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लेंगे, स्पिंडल्स जो है उनकी फॉर्मेशन होगी, एस्टर्स ऑपोजिट पोल में मूव कर गए, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो काइनेटोकोर के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ में जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट फेज आ गई एनाफेज. एनाफेज के ड्यूरिंग क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की प्रॉपर डिसजंक्शन हो जाएगी, वो पूरी तरह सेपरेट हो जाएंगे और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. इसमें भी वही होगा, दैट इज वी शेप या जे शेप या एल शेप स्ट्रक्चर में इनकी मूवमेंट जो है वो होगी. और लास्ट में टीलोफेज आ गई. टीलोफेज के ड्यूरिंग क्या होगा, प्रोफेज के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, जो कुछ भी होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई, न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन भी हो गई, क्रोमोसोम्स थे जो थे उनकी डीकंडेंसेशन हो गई हाइड्रेशन की वजह से, और सेंट्रोसोम्स की फिर से फॉर्मेशन हो गई. तो टीलोफेज में दो न्यूक्लियस बन गए. अब नेक्स्ट स्टेज आएगी साइटोकाइनेसिस वन की. तो साइटोकाइनेसिस वन प्रेजेंट भी हो सकती है, एबसेंट भी हो सकती है. अगर प्रेजेंट होती है तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंट मैनर में होती है. प्लांट सेल में जो है मिड बॉडी फॉर्मेशन के थ्रू, और सॉरी एनिमल सेल में मिड बॉडी फॉर्मेशन के थ्रू, और प्लांट सेल में सेल प्लेट की फॉर्मेशन के थ्रू जो है इनकी डिवीजन होगी. तो साइटोकाइनेसिस वन के बाद क्या होगा, दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिनमें जो क्रोमोसोम या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ देन द पेरेंट सेल होगा. तो मियोसिस वन का सिग्निफिकेंस क्या है, कि इसमें क्रोमोसोम्स जो है उनकी डिसजंक्शन होती है और क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है, और अगर क्रोमोसोम्स पूरी तरह एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं उसकी वजह से म्यूटेशंस आ जाती हैं. तो म्यूटेशंस जो हैं
दैट आर द जेनेटिक चेंजेस. जब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में मटेरियल का एक्सचेंज कर लेंगे तो उसको म्यूटेशंस बोल देते हैं हम लोग. तो कोई चेंजेस आ जाती है जेनेटिक मटेरियल में. इसके अलावा जीन्स जो है वो अपने कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, जिनको हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोल देते हैं. तो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है. ऑलरेडी आप लोगों ने सारा कुछ बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि ऐसे जो है सपोज कि ये दो क्रोमोसोम्स जहाँ दो डीएनए की चेन्स हैं, अगर इनका मटेरियल चेंज हो जाए, सपोज कि ये जहाँ से ऐसे जो है इनका मटेरियल आपस में चेंज हो जाए. वेट, मैं आप लोग को किसी और मैनर में समझाती हूँ. सो सपोज के ये दो डिफरेंट जो है क्रोमोसोम्स हैं, तो इनमें क्या हुआ, इनमें क्रॉसिंग ओवर हो गई. क्रॉसिंग ओवर के ड्यूरिंग क्या हुआ, जो ये येलो वाला था ये नीचे की तरफ ऐसे मूव कर गया और जो रेड वाला था ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर गया. तो इसमें फिर क्या होगा, येलो और रेड आ गया और उसके बाद नीचे की तरफ क्या हुआ, रेड और येलो आ गया. इनमें क्या हुई, क्रॉसिंग हो गई. ये ऊपर वाला जो था वो मूव करके येलो वाला नीचे की तरफ मूव कर गया और दूसरी तरफ जो रेड वाला था वो ऊपर की तरफ मूव कर गया. तो ये क्रॉसिंग हो गई. जो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना है, क्रोमोसोम्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग चियाज्मेटा बोल देते हैं, चियाज्मेटा फॉर्मेशन. कल भी मैंने ये टर्म यूज़ की थी, तो इसको चियाज्मेटा बोल देते हैं. जब इस रेड का और येलो का जो मटेरियल है आपस में एक्सचेंज हो गया तो नया जो क्रोमोसोम बना वो ऐसे बना. तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा पोर्शन येलो का होगा, ठीक है, उसके बाद रेड का पोर्शन, फिर से येलो का पोर्शन. रेड वाले में क्या हुआ, पहले रेड का पोर्शन, थोड़ा सा येलो का पोर्शन और फिर से रेड का पोर्शन आ जाएगा. तो ये बीच वाला जो मटेरियल था दोनों में, ये क्या है, इसको क्रॉसिंग ओवर बोल देते हैं. सो ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दीज थिंग्स, तो मुझे लग रहा है आप लोग को बेटर समझ में आ गया होगा. सो इसके साथ जो है हमारा मियोसिस वन कंप्लीट हो गया. सो मियोसिस वन के बाद मियोसिस टू होएगा. लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों के बिचकार में इंटरफेज भी होती है समटाइम्स. सो इंटरफेज वो पीरियड है जो कि मियोसिस वन की टीलोफेज से फेज से लेकर के मियोसिस टू की प्रोफेज के बिचकार होता है. तो जो अगर इंटरफेज है तो साइटोकाइनेसिस समटाइम्स नहीं होता. ओके, टीलोफेज जो है मियोसिस वन की कंप्लीट होने के बाद जो गैप आ जाता है और मियोसिस टू की प्रोफेज के स्टार्टिंग तक, तो इंटरफेज मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. और अगर इंटरफेज प्रेजेंट होती है तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन्स हैं या जो आरएनए वगैरह है या डीएनए है, इनकी सिंथेसिस होती है, ठीक है. नॉट डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती, सिर्फ आरएनए की और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. तो क्या है कि जब सेल डिवाइड करेगा अभी नेक्स्ट मियोसिस टू में, तो उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट. तो डीएनए की डुप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आरएनए और प्रोटीन्स क्योंकि सेल का साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे और इनका जो है डुप्लीकेशन होनी ज़रूरी है. तो इस फेज के ड्यूरिंग क्या है, इंटरफेज के ड्यूरिंग ये प्रोटीन और आरएनए की फॉर्मेशन होती है, लेकिन डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, ठीक है. तो इंटरफेज के ड्यूरिंग जस्ट सेल ने अपने आप को मियोसिस टू के लिए प्रिपेयर किया अपने प्रोटीन्स और आरएनए की फॉर्मेशन करके, ताकि जब डॉटर सेल्स बने तो उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए. क्लियर यहां तक? यस मैम. तो मियोसिस वन कंप्लीट हो गई, इसके बाद मियोसिस टू स्टार्ट हो गई. तो मियोसिस टू को क्या है, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में सेम रहेगा, ठीक है. तो जो मियोसिस वन में जो डॉटर सेल्स बने थे तो उनका जो क्रोमोसोम नंबर था सेम ही क्रोमोसोम नंबर मियोसिस टू के पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में रहेगा. मियोसिस टू जो है दिस इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, काफ़ी छोटा होता है. इसको कंप्लीट होने के लिए भी सेम ही है, दो फेजेस चाहिए. सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, तो इधर इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस टू बोलेंगे, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस टू बोलेंगे,
ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस वन की भी सेम ही फेजेस रहेंगी, प्रोफेज टू, उसके बाद मेटाफेज टू, उसके बाद एनाफेज टू और लास्ट में टीलोफेज टू। तो यूजुअली हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्रोफेज है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की होती है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस टू की जो प्रोफेज है दिस इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन। और इस प्रोफेज में भी सेम ही होगा, एस्टर्स की फॉर्मेशन होगी सेंट्रियोल्स से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं उनकी कंडेंसेशन हो ही स्टार्ट हो जाएगी और वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और स्पिंडल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके ठीक है, तो प्रोफेज वन टू की सॉरी कोई फर्दर फेजेस नहीं है, जस्ट दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और मेटाफेज टू में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स है वो अपने आप को इक्वेटर के ऊपर जो है अरेंज कर लेंगे और जो सेंट्रोमियर्स रहेंगे वो क्रोमोसोमल फाइबर्स, हर एक जो सेंट्रोमियर है वो दो क्रोमोसोमल फाइबर से बना होगा। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम की फॉर्मेशन बता दी ऑलरेडी, यू पीपल नो दैट के जो क्रोमोसोम होता है ऐसे सेंट्रोमियर होता है और इनमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं जिनको क्रोमोसोमल फाइबर्स बोल देते हैं वो रहेगा। और एनाफेज टू के ड्यूरिंग क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स रहेंगे जहाँ जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट हो जाएगा, इसका सेंट्रोमियर बीच में से स्प्लिट हो जाएगा और दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और I will show it through the diagram. So पहले क्या है, पहले प्रोफेज टू के ड्यूरिंग क्या होगा, जो सेल है सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी और प्रोफेज के एंड तक ये पूरी तरह डिसअपियर हो जाएगी और एस्टर्स जो हैं वो बन जाएंगे, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे और इनके बिचकार क्या है, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसमें क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। सो प्रोफेज के ड्यूरिंग जो क्रोमोसोम्स है वो रैंडमली कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन मेटाफेज के ड्यूरिंग क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम्स है वो अपने आप को इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लेंगे। सो एस्टर्स, इनके बिचकार जो स्पिंडल्स है, तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था स्पिंडल्स का इक्वेटर क्या है, सो दिस पोर्शन इज़ द इक्वेटर और इनको पोल्स बोल देते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो एग्जैक्टली क्या करेंगे, अपने आप को इस इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लेंगे, एक ही लाइन में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और एनाफेज के ड्यूरिंग क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम है इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, बीच में से टूट जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, फिर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे से ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। तो जो हमारी एनाफेज है, एनाफेज के ड्यूरिंग क्या होगा, जो ये स्प्लिटेड क्रोमोसोम्स थे वो ऐसे जो है पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गए ताकि ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ इकट्ठे हो जाए और टीलोफेज के ड्यूरिंग क्या हो, वो वहाँ पे नया जो न्यूक्लियस है उनकी फॉर्मेशन कर सके। सो दिस वाज प्रोफेज टू, दिस वाज मेटाफेज टू, this was anaphase 2 and now we will do the telophase 2। तो telophase 2 के ड्यूरिंग क्या होगा, सेल है सो इसमें फ्रो फॉर्मेशन भी हो सकती है और इसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो फिर से फॉर्म हो जाएगी, उसके अंदर न्यूक्लियोलस फॉर्म हो जाएगा और जो न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स हैं उनकी
डीकंडेंसेशन हो जाएगी और फिर से वो थ्रेड बना लेंगे और इनके बीचकार में जो है सेल प्लेट जहाँ जो मिड बॉडी है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो टीलोफेज टू के बाद नेक्स्ट फेज जो आएगी दैट इज साइटोकाइनेसिस टू। सो साइटोकाइनेसिस टू हर हालत में होगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साइटोकाइनेसिस वन एबसेंट हो सकती है लेकिन साइटोकाइनेसिस टू विल ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, ये कभी एबसेंट नहीं होगी। और इसमें क्या होगा, सेल की डिवीजन कैसे होगी, एनिमल सेल में सेल फोरोज या मिड बॉडी की फॉर्मेशन के थ्रू और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू, और इसकी डिवीजन के बाद क्या है, डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिर्फ दो डॉटर सेल्स बताए हैं, लेकिन जब मियोसिस टू की डिवीजन हो रही है तो दो पेरेंट सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, तो सेम ही स्ट्रक्चर जो है वो टू टाइम्स होगा ये वाला, तो टू टाइम्स होगा। तो यहाँ पे टोटल साइटोकाइनेसिस टू के बाद कितने डॉटर सेल्स बनेंगे, फोर डॉटर सेल्स बनेंगे। सो साइटोकाइनेसिस टू इज कम्प्लीटेड, सो इट वॉज वेरी सिंपल। मियोसिस टू जो है दैट इज सो सिंपल। सो इंटरफेस के बाद मियोसिस टू स्टार्ट हुई, जिसको इक्वेशनल डिवीजन बोल देते हैं, क्योंकि मियोसिस वन का जो एंड प्रोडक्ट था मियोसिस टू के लिए वो पेरेंट सेल का काम करेगा और उनमें जितना क्रोमोसोम का नंबर रहेगा वो डॉटर सेल्स में सेम रहेगा। कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि सपोज मियोसिस वन के बाद जो डॉटर सेल्स बने उनमें क्रोमोसोम नंबर 5-5 है दोनों में, फिर दोनों मियोसिस टू में एंटर करेंगे, दोनों सेल्स एक साथ होके मियोसिस टू में एंटर करेंगे और मियोसिस टू में जब उनकी डिवीजन होगी तो टोटल फोर जो है डॉटर सेल्स बनेंगे और वो फोर डॉटर सेल्स जो है उनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा 5-5। तो मियोसिस टू की भी दो फेजेस है, कैरियोकाइनेसिस टू एंड साइटोकाइनेसिस टू। कैरियोकाइनेसिस टू मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस टू मतलब डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस को कंप्लीट होने के लिए प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू फेज स्टेजेस चाहिए। इन फेजेस के ड्यूरिंग होगा क्या, जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनका नंबर जो है उनकी जो कंडेंसेशन होगी प्रोफेज टू के ड्यूरिंग, स्पिंडल्स बन जाएंगे, एस्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। मेटाफेज टू के ड्यूरिंग जो ये क्रोमोसोम्स हैं अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज कर लेंगे और एनाफेज टू के ड्यूरिंग क्या होगा, इन क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी और हाफ क्रोमोसोम्स ऊपर चले जाएंगे, हाफ नीचे चले जाएंगे। तो इनमें रिडक्शन नहीं हुई, क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहा है। तो एनाफेज के बाद जो हमारी नेक्स्ट फेज आएगी दैट इज़ द टीलोफेज। टीलोफेज टू जो है वो बिल्कुल प्रोफेज टू के ऑपोजिट है। इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस की डेवलपमेंट होगी दोनों साइड पे और जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी जो कि फर्दर साइटोकाइनेसिस टू में दो सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने में हेल्प करती है। सो मियोसिस का ओवरऑल जो फंक्शन क्या है, गैमेटोजेनेसिस, आप लोगों ने पढ़ा होगा गैमीट्स की फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म और ओवम की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है मियोसिस जो है, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं तो बच्चों में नए करेक्टर्स जो है पेरेंट्स के कंपैरेटिवली आ सकते हैं। सो मियोसिस टू की जो डिटेल्स है सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में सेम है, विच इज़ इंडिकेटिंग के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनकी आपस में कुछ ना कुछ जो है इंटर रिलेशनशिप को शो करते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स या फिर जेनेटिक मटेरियल में जो म्यूटेशंस आती हैं नॉन डिसजंक्शन के थ्रू होती हैं वो वेरिएशंस कॉज करती हैं। ये वेरिएशंस जो हैं हेल्पफुल होती हैं अगर हम लोगों ने एनिमल्स या प्लांट्स के किसी करेक्टर्स को चेंज करना है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वहाँ पे ये चीज़ें जो है यूज़फुल होती हैं। तो कल फिर मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊँगी माइटोसिस और मियोसिस के बीचकार। ओके, सो वी आर डन फॉर द डे।